हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इजी और मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। ये मेरे पास है 250 ग्राम कुल्फा, और जिसे हम बनाएंगे चने की दाल के साथ। ये मैंने हाफ कप चने की दाल ली है और ये कुछ इस तरह का दिखता है। तो अब सबसे पहले मैं इसे वॉश कर लूँगी और काट लूँगी, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो इसके लिए मैंने एक कुकर ले लिया है। अब सबसे पहले मैं इसमें अपना कुल्फा डाल देती हूँ जो मैंने काट लिया है वॉश करके। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अब दाल भी इसमें हम डाल देंगे। बहुत ही इजीली बन जाती है और बहुत मज़े की बनती है। एक चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, बल्कि थोड़ा सा और मैं डाल देती हूँ क्योंकि चने की दाल है। अब कुछ सूखे मसाले डालेंगे, हल्दी हाफ टी स्पून, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, और बहुत थोड़ा सा धनिया हाफ टी स्पून। बस हमारे मसाले डल गए हैं। अब मैं इसमें 2 कप पानी ऐड कर देती हूँ। फ्रेंड्स, अब हम इसे जब तक हमारी दाल और कुल्फा आपस में बिल्कुल मिक्स नहीं हो जाते हैं तब तक पकाएंगे। आप इसमें खोल के चेक भी कर सकते हैं, और अगर आपको पानी कम लगे तो आप पानी भी डाल सकते हैं। तो अब मैं इसे ढक्कन लगा के रख देती हूँ पकने के लिए। आइए चेक कर लेते हैं हमारी दाल तैयार हुई है नहीं। ये देखिए, कुल्फा और दाल आपस में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। फ्रेंड्स, अच्छा मैंने बीच में खोल के देखा था तो मुझे थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना पड़ा था, और इसको अच्छे से ऐसे चम्मच से मैश कर लेंगे थोड़ा सा, तो ये और सोंधी सोंधी हो जाएगी। और बस हमारी दाल तैयार है। अब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम तेल डालेंगे दाल फ्राई करने के लिए। तेल आप अपनी पसंद के हिसाब से रखिएगा, कम ज़्यादा। तेल हमारा गर्म हो गया है, हम उसमें प्याज डालेंगे, सूखी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा जीरा। प्याज हमारी लाल हो गई है, अब हम दाल फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त बन के दाल तैयार होती है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।